हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों आज हम लोग लुप्त संख्याएं मिसिंग नंबर लेकर आए हैं और आज हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक हैं मिसिंग नंबर से, आज उससे हम लोग लगाएंगे और एग्जामों से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, आप देख रहे हैं आप सब लोग कि स्टार बनाया हुआ है और इसमें नंबर दिया गया है 7, 7, 15, 31, 63, 127 और बोल रहा है यहाँ पे खाली स्थान क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि यहाँ क्या होगा। तो आप देखिए इसमें ऑप्शन भी आपका दिया होता है, ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, आप देखेंगे कौन सा नियम फॉलो कर रहा है और कैसे करके ये नंबर लिख रहा है सारा, है ना। तो आइए देख लेते हैं क्या कर रहा है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 7 लिखा हुआ है ना, और 7 के बाद लिखा हुआ है 15 यानी 15 लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये किया है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है, कितने से 2 से मल्टीप्लाई किया है और 1 प्लस कर दिया है। देखिए 7 × 14 और 1 × 15 लिख दिया है यहाँ पे, देख रहे हैं 7 का गुणा यानी 7 का टेबल 2 बार पड़ा है, 2 बार है ना, यानी 7 का पहाड़ा 2 बार पड़ा है और 1 उसमें जोड़कर लिख दिया है 15। अब क्या किया है, आगे क्या किया है, तो आगे देख रहे हैं कि आप इसमें फिर 2 से गुणा किया है और 1 जोड़ दिया है और लिख लिया है क्या 31। देखिए 15 का पहाड़ा पड़ेगा 2 बार, 15 × 30 और 1 31 लिख दिया है। अब आगे देखिए क्या किया है, फिर आगे भी उसी तरह से कर रहा है, आगे क्या कर रहा है 31 में 2 का गुणा करेगा और 1 जोड़कर क्या करेगा लिख देगा। देखिए 31 × 62 और 1 63 लिख दिया है यहाँ पे। अब आप क्या करेगा, इसको भी उसी तरह से करेगा, 63 को क्या करेगा फिर 2 से मल्टीप्लाई करेगा और 1 क्या करेगा इसमें जोड़ देगा और लिखेगा क्या 127। 63 × 2 होता है 126 और 1 उसमें जोड़ेगा तो हो जाएगा 127। आगे भी आपको उसी तरह से करना है, यानी आपका क्या करना है इसमें 127 में 2 का गुणा करना है प्लस 1 कर देना है। तो जब 127 में आप 2 का जब गुणा करिएगा तो हो जाएगा 254 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 255, यानी आपका यहाँ क्या होना चाहिए तो 255 होना चाहिए। मिल गया आपको, क्या करना था फिर से देख लीजिएगा, आपको करना ये था कि सबसे पहले आप देखिएगा सीरीज कैसे फॉलो करते हुए चल रहा है। तो पहले आप देख रहे हैं कि 2 7 दिया हुआ है तो यहाँ पे 15 इसके बाद लिख दिया है, तो क्या किया है 7 का टेबल 2 बार पड़ा है और 1 जोड़ दिया, 7 × 14 और 1 जोड़ेगा तो 15। अब क्या करेगा, इसी तरह से इसको भी फॉलो करते हुए चलेगा और ये लिखेगा, तो 15 × 30, 15 का गुणा 2 बार किया, 15 × 30 और 1 जोड़ेगा तो 31। ठीक है, 31 में अब क्या करेगा, 2 का गुणा फिर से करेगा और प्लस 1 कर देगा तो हो जाएगा 63। 31 × 62 और 1 63। ठीक है, फिर क्या करेगा, 63 में 2 से मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद क्या करेगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 जोड़ देगा तो 63 × 2 होता है आपका 126 और 1 जोड़ेगा तो हो जाएगा 127। 127 लिखा हुआ था यहाँ पे। अब क्या करेगा, 127 में 2 का मल्टीप्लाई करेगा और 1 ऐड कर देगा, तो 127 का जब 2 से गुणा करिएगा तो आएगा 254 और 1 जोड़ेगा तो हो जाएगा 255, यानी आपका आंसर हो जाएगा 255। और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन किस में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है 255। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 255 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। दूसरा नंबर दिया गया है, दूसरा सवाल क्या दिया गया है, कह रहा है कि 64 दिया है, 36 दिया है और 49 दिया और बीच में त्रिभुज के लिए क्या दे दिया है 21। अब इसको फॉलो करते हुए जैसे ये किया है वैसे ही इसको भी करके बीच में लिखना है कि बीच में क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या किया है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए इसका, 36 का स्क्वायर रूट निकाला जाए तो क्या आएगा 6 आ जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट निकाला जाए तो 7 आ जाएगा और 64 का स्क्वायर रूट निकाला जाए तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और इन सभी को ऐड कर देगा तो आपका आ जाएगा 21। देखिए ऐड करिए, ऐड कर रहे हैं 8 और 6 कितना हो जाएगा 14
और 14 और 7 हो जाएगा 21। देखिए जोड़ के दिखा देते हैं आपको, 8, 8, 6 और 7 जोड़िएगा तो आएगा कितना 21। देखिए 21 लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी क्या कर दिया है, संख्याओं का स्क्वायर रूट, बाहर वाली संख्याओं का स्क्वायर रूट निकाला है। और क्या कर दिया है, स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो संख्याएं मिली हैं आप उसको क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद बीच में लिख दिया। तो आप भी क्या करिएगा, इन संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालिएगा। स्क्वायर रूट जब निकालिएगा तो आएगा यहाँ पे 11, इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आएगा 9, इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आएगा 10। सबको जोड़िएगा कितना है, 11 है, 9 है और आपका 10 है। जब जोड़िएगा सबको तो आ जाएगा कितना, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30 यानी 30। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था बीच में, तो 30 होना चाहिए था। फिर से सुन लीजिएगा, क्या किया है, सबसे पहले सभी संख्याओं के बाहर वाले सभी भुजाओं का स्क्वायर रूट निकाल दिया है। जो भुजाएं दी गई हैं बाहर त्रिभुज की, उनकी उनका क्या कर दिया है, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाला है। वर्गमूल जो आया है उन सभी को जोड़कर बीच में लिख दिया है त्रिभुज के अंदर, ठीक है। इसी तरह से इसको भी करेंगे, स्क्वायर रूट भुजाओं का स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, जो आएगा सबको जोड़कर बीच में लिख दीजिएगा, तो आया है कितना 30। और ऑप्शन में देख लेंगे 30 किसमें है, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में 30 दिया गया है, 30 दिया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए जल्दी जल्दी और भी एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी सवाल आपका दिया गया है, इसको देख लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो पहले आइए इसको देख लेते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है आपका, 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, खाली स्थान है, 50 है और 122 है। कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होना चाहिए, ये लुप्त संख्या है, यहाँ पे मिसिंग नंबर है, इसको देखना है कि ये क्या होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन आपके पास ऐसे दिया गया रहेगा और आप देखेंगे, तो आइए देखते हैं कौन सा नियम फॉलो किया है ये, है ना। तो आइए देखिए, देख रहे हैं कि ये है 2 का स्क्वायर और 1 जोड़ दिया, 2 का मान लेते हैं कि 2 का स्क्वायर है। अगर इसको ऐसे किया जाए, इसको ऐसे किया जाए कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 किया जाए तो क्या 5 आ जाएगा, तो करके देखते हैं, 2 दुना के 4 और 1 जोड़ेगा तो 5 हो जाएगा 5। अब क्या किया है यहाँ पे देख लेते हैं, स्क्वायर किए 2 का स्क्वायर, और ये क्या है, एक अभाज्य संख्या भी मान सकते हैं कि ये एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पे देखिए इसको कैसे कर सकता है, अगर हम माने कि अगर 2 हुआ, यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया था, तो अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिली के 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 10 हो जाएगा। आप देख रहे हैं 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिली के 9 हो जाएगा, 9 में जब 1 जोड़ेंगे तो आएगा 10। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 में 3 का गुणा करिएगा तो 9 हो जाएगा, प्लस 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 10, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 3 का स्क्वायर करने पे आया, ये देख लेते हैं कितने का स्क्वायर करने पे आ सकता है और 1 जोड़ना है हमको, तो ये देखिए दिया है यहाँ पे, तो इसको कर सकते हैं हम लोग 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं, 47 और प्लस 1 तो हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं 49 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ऐसे किया है, यानी आप देख रहे हैं कि ये अभाज्य संख्या लेके चला है, अभाज्य संख्या, देखिए पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, दूसरी अभाज्य संख्या 3 और आपका उसके बाद होता है अभाज्य संख्या 3 के बाद 5 होता है। अब इसको भी अगर देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं आपके आगे क्या अभाज्य संख्या है, देखिए 7 के बाद अभाज्य संख्या आपको मिलेगा 11, 7 के बाद क्या मिलेगा 11 मिलेगा। तो देखिए 11 का देख लेते हैं हम लोग करके, तो आप ये 122 यहाँ पे देख रहे हैं ना, 122 दिया है, तो 122 को अगर करते हैं हम लोग 11 का स्क्वायर प्लस 1, 11 का स्क्वायर 121 और 122 तो हो जाएगा 122 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग करेंगे, इसको क्या करेंगे, तो आप देख रहे हैं इसको करना होगा हमको, अभाज्य संख्या 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो 5 को जब स्क्वायर करिएगा तो 25 और 1 आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 26। तो क्या मिला आपको यहाँ से, आप देख रहे हैं यहाँ से मिला आपको 26। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है,
ठीक है, तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा बी। आप ऐसे ही करिएगा जल्दी से जैसे आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देख लीजिएगा ये कौन सा नियम फॉलो किया है, तो दिख रहा है कि दो का स्क्वायर और एक जोड़ा हुआ है ना, तो दो का स्क्वायर करेंगे तो दो दूना के चार और एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा पांच। ये है तीन का स्क्वायर प्लस वन, तितली के नौ और एक दस, और ये है आपका लुप्त यहाँ पे संख्या थी तो ये बताना था। तो आप देख रहे हैं कि अभाज्य संख्याएं चल रही हैं, है ना, तो अभाज्य संख्या जब चल रही है यहाँ पे तो अभाज्य संख्या आप देख लीजिएगा तीन के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होती है, तो तीन के बाद पांच होता है, तो पांच का स्क्वायर करिएगा प्लस वन, पांच का स्क्वायर पच्चीस और एक जोड़िएगा तो आ जाएगा छब्बीस। इसी तरह से देखिए पचास को दिया गया था तो पचास होता है अगली अभाज्य संख्या, पांच के बाद होता है सात, सात का स्क्वायर करिएगा उनचास, उनचास में एक जोड़िएगा तो आएगा पचास। अब सात के बाद होता है अभाज्य संख्या कौन सी, अभाज्य संख्या सात के बाद होता है ग्यारह, क्योंकि आठ जो है आपका सम संख्या है, नौ एक भाज्य संख्या है, दस एक भाज्य संख्या है और ग्यारह एक अभाज्य संख्या है। तो ग्यारह का जब स्क्वायर करिएगा तो आएगा एक सौ इक्कीस और एक जोड़िएगा तो आएगा एक सौ बाईस, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, पांच का स्क्वायर प्लस पांच का स्क्वायर प्लस वन बराबर हो जाएगा छब्बीस, यानी ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है छब्बीस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं, इसको कैसे लगाएंगे, देखिए कोशिश करिए कैसे लगाएंगे, कोई नियम फॉलो कर रहा है, कोई ऐसा तरीका जिससे हम लोग क्या करें इस खाली स्थान की जगह पर हम कोई अंक लिख सके जो फॉलो करता हो, है ना, ऐसे ही नहीं कुछ भी नहीं लिखा जा सकता, और ऑप्शन दिया गया है इन्हीं ऑप्शनों में से कोई एक आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, बताइए कैसे लगेगा, आइए देख लेते हैं कैसे लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आठ है और यहाँ पे दो है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, आठ दूना के सोलह और एक जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा सत्रह, कर सकते क्या, आठ दूना के सोलह, आठ दूना के सोलह और एक जोड़िएगा तो हो जाएगा सत्रह, हो जाएगा सत्रह, जोड़ेंगे तो हो जाएगा सत्रह और ये यहां लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब देख लीजिए क्या करना है, सत्रह मिल गया आपको, ऐसे सत्रह आया था तो अब आपको करना है इसी तरह से सेम प्रोसेस पे ये भी आना चाहिए, तो आठ का गुणा सत्रह में करना है, आठ का गुणा किसमें, आठ का गुणा सत्रह में, तो सत्रह आठ है एक सौ छत्तीस, कितना होता है एक सौ छत्तीस हो जाएगा ना, आठ का गुणा करिए आठ सते छप्पन, को छह हाथ में लगा पांच, आठ एकम आठ और पांच तेरह हो जाएगा एक सौ छत्तीस, और एक जोड़ना है, एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक सौ सैतीस, एक सौ सैतीस यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहा है एक सौ सैतीस लिखा हुआ है, यानी इससे क्या समझ में आ रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद एक जोड़ने के बाद ये आ रहा है ना, तो आप भी क्या करिएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा और एक प्लस कर दीजिएगा, एक प्लस कर दीजिएगा तो ये आना चाहिए। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कितने कितने का मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आप देख रहे हैं कि एक सौ सैतीस बुढ़े आठ मल्टीप्लाई करिए, तो आठ का टेबल पढ़िए, आठ सात छप्पन को छ है ना, अब फिर हो जाएगा आठ में हाथ में हमारे पास है कैरी पांच है हमारे पास, आठ तरीके चौबीस, चौबीस और पांच, चौबीस और पांच उनतीस, उनतीस को नौ हाथ में लगा दो, आठ एकम आठ दो दस, कितना हो जाएगा एक हजार छियानवे, अब एक जोड़ना है इसमें प्लस एक तो हो जाएगा एक हजार संतानवे, और एक हजार संतानवे आपका ऑप्शन में दिया गया है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कितना एक हजार संतानवे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना था, आठ और दो का गुणा करके एक जोड़कर लिख देना था, तो आठ गुना के सोलह एक जोड़ेंगे तो सत्रह, ठीक है, सत्रह का गुणा आठ में करेंगे, सत्रह आठ है एक सौ छत्तीस, छत्तीस में एक जोड़िएगा तो एक सौ सैतीस लिख दीजिएगा, अब सैतीस का गुणा जब आठ में करिएगा तो हो जाएगा एक हजार छियानवे, और एक हजार छियानवे में जब एक जोड़िएगा तो हो जाएगा एक हजार संतानवे, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन आपको ए में दिख रहा है कि एक हजार संतानवे दिया गया है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए कोई और भी एग्जांपल लेते हैं, जल्दी से लगाते हैं, आइए देखते हैं।
आइए दोस्तों देख लेते हैं इसको भी। इस तरह से लेपर बढ़ाता है एग्जामों में, इस तरह के ही क्वेश्चन देता है अधिकतर, है ना। इसको आइए देखते हैं कैसे करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि कैसे लाना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, खाली स्थान यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको भरना है कि यहाँ पे होगा क्या, है ना। यहाँ पे आपको मान पुटअप करना है कि अगर सॉल्व किया जाए इसे किसी नियम से तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन ऑप्शनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं कैसे किया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम क्या करें कि इसको इसका स्क्वायर कर दिया जाए और एक का भी स्क्वायर कर दिया जाए और घटा दिया जाए, इसका स्क्वायर किया जाए और इसका स्क्वायर किया जाए और दोनों का अंतर कर दिया जाए तो क्या 20 आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, अगर इसका स्क्वायर हम करते हैं तो हमारा आता है 121 और एक का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना, एक। अब दोनों का जब अंतर करिएगा, दोनों को जब माइनस करिएगा, माइनस जब करिएगा तो क्या आएगा, 120 आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट, आप अगला क्वेश्चन भी अगला भी देख लेते हैं सीरीज, ये भी क्या वैसे ही फॉलो कर रहा है। तो आइए देख लेते हैं, अगर 7 का स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है, और 2 का स्क्वायर कर दिया जाए, जब 7 का स्क्वायर किया जाएगा तो कितना आएगा, 47 49, और 2 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो कितना आएगा, 2 × 4, और जब दोनों को माइनस किया जाएगा तो आएगा कितना, 45 आ जाएगा। देखिए 45 दिया गया है, है ना, यानी नियम फॉलो कर रहा है वैसे ही जैसे ये दोनों नियम फॉलो कर रहा है। नियम जो लग रहा है इस पे वही नियम सेम इस पे भी लगा देंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 5 का स्क्वायर करना है और 3 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 5 का जब स्क्वायर करिएगा तो जब 5 का स्क्वायर करिएगा तो आएगा 25, और जब 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करिएगा तो आएगा 9, और जब दोनों को माइनस करिएगा तो आएगा कितना, 16 आ जाएगा। 25 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आपका 16, ये हो जाएगा आपका आंसर। और ये ऑप्शन आपको दिख रहा है किसमें, ये नंबर किसमें दिख रहा है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे ही करिएगा, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, 11 का स्क्वायर कर लेना है, 11 का स्क्वायर करने के बाद 1 का भी स्क्वायर कर लीजिएगा और दोनों का अंतर निकाल के लिख दीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 का स्क्वायर करिएगा और 2 का स्क्वायर करिएगा, दोनों का अंतर निकालिएगा, आ जाएगा 45, ठीक है, 45 आ गया आपका। अब क्या करना है आपको, फिर उसी नियम का फॉलो करना है, उसी नियम का फॉलो करना है। आप करिएगा 5 का स्क्वायर करिएगा और 5 का स्क्वायर करने के बाद लिख लीजिएगा और फिर 3 का स्क्वायर करिएगा तो आएगा 9, दोनों का जब अंतर निकालिएगा तो आ जाएगा कितना, 16, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए कोई और भी एग्जांपल लेते हैं और जल्दी से लगाते हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर एग्जांपल है दोस्तों, आइए देख लेते हैं इसको भी, ये कैसे लगाते हैं, है ना। तो बहुत ही बढ़िया इसी तरह का ही एग्जांपल देता है एग्जामों में, बहुत ही सुंदर एग्जांपल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा इसे किस तरह से किया है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये किस तरह से फॉलो कर रहा है, ये कौन सा नियम ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, वही नियम इसपे भी फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्या किया है। पहले वाले में देख लीजिएगा, पहले में क्या किया है कि 37 बीच में लाना है, है ना, बीच में जो बीच में क्वेश्चन मार्क बनाया है, तो यानी ऐसा कुछ किया होगा जो प्रोसेस करने के बाद बीच वाला अंक हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आप भी उसी तरह से करिएगा जैसे वो किया है। तो आइए देख लेते हैं वो कैसे किया है। तो आप देख रहे हैं कि हमको लाना है 37, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर दो संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाए तो क्या हो सकता है आ जाए। तो आइए कोशिश करते एक बार। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, 3 का और 4 का मल्टीप्लाई, आमने सामने की संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं। आमने सामने की संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 × 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 5 का, तो 5 और 5 का जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा कितना,
25 और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 37। आ जाएगा 37, देख लीजिए आया 37 मिल गया। यानी देखिए 4 × 3 = 12 और 50 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 37। आप भी आगे ही यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 = 16। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 5 और 7 का, तो 5 × 7 तो हो जाएगा कितना 35। 35 और 16 को जब जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना 51, है ना। देखिए 6 और 5 = 11 को 1 और 1 और 3 = 4, 1 हासिल कैरी था 5, हो जाएगा 51। आगे इसको भी कर लेते हैं उसी तरह से, आपको मल्टीप्लाई करना है 3 और 3 का, 3 × 3, ठीक है। और फिर क्या करना है, 5 और 6 का गुणा कर लेना है, प्लस 6 × 5, जब इसका गुणा करिएगा तो ये आ जाएगा 9 और जब इसका गुणा करिएगा तो आएगा 30। जब इन दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना 39। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या करना था, आमने सामने संख्याओं का गुणनफल कर देना है, आमने के सामने की संख्याओं का गुणनफल कर लेना है और क्या कर देना है, जोड़ कर लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 × 3 का गुणा करेंगे तो 9 और 6 और 5 का गुणा करेंगे तो 30, 9 और 30 हो जाएगा 39 यानी 39। आप देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में 39 दिया गया है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल था, एग्जामो में पुटअप करता है, ग्रुप डी हो चाहे आपका जेडी का हो चाहे आपका और अदर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, उसमें पूछता है ऐसा आपका एग्जाम्पल पूछता है। आइए एक और भी ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं और लगा के देखते हैं, आइए देखते हैं। हाँ दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल आपके पास है, देख लीजिए ऐसा ही एग्जाम्पल पूछता है एग्जामो में। आइए देख लेते हैं इसको कैसे लगाएंगे, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं कैसे किया है। याद रहे इन तीनों में जिस तरह से जो नियम फॉलो करके आपका सॉल्व किया है उसी नियम का फॉलो करके इस क्वेश्चन को भी हमको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको क्या करना है, लिखना है कि क्या होगा। ये जो आपका मिसिंग नंबर है यहीं पे आपको लिखना है कि इसका नंबर क्या होगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्या किया है, दिख रहा है सवाल में, सबको ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है सवाल में कि ये क्या किया, क्या किया है, तो एकदम साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई करके बस लिख दिया है। क्या किया है, 3 नंबरों का, कौन कौन, इसका इसका और इसका, यानी 2, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके लिख दिया है क्या, 12। देखिए 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12 लिखा हुआ है, ऐसे ही बिल्कुल इसको भी करेगा, देख लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 × 2 = 6 और 6 × 5 = 30, है ना, 2 × 3 = 6 और 6 × 5 = 30 लिखा है 30, तो ये हो जाएगा आपका 30। अब आ जाइए एकदम सेम वैसे ही इसको भी करेगा, देखिए कर रहा है 5 × 5 और 5 में जब -1 का गुणा करिएगा तो आ जाएगा -5, ठीक है। अब आ जाइए फिर सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे, एकदम बिल्कुल वैसे ही, तो 4 × 3 = 12 और 12 का जब मल्टीप्लाई -1 में करिएगा तो हो जाएगा माइनस में कितना, माइनस में 12, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे करेंगे, जल्दी से करेंगे, आप सवाल को देखकर सिर्फ बता सकते थे, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल था। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जामों में, तो आप क्या करिएगा, इस तरह के एग्जामों में जो भी क्वेश्चन आए इसको जल्दी से ऐसे ही करिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देख रहे हैं आप, आया है -12। अब ऑप्शन में देख लीजिएगा किस ऑप्शन में -12 दिया गया है, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में -12 दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर -12। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल था, आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी तरह का, कोई सुंदर सा एग्जाम्पल जो एग्जामो में पुटअप करता हो, आइए देखते हैं। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दोस्तों, देख लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन पुटअप करता है, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पुटअप करता है, इसको देखिए कैसे किया है, जल्दी से हम लोग लगाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को। आप देख सकते हैं
कि ऐसा क्वेश्चन ग्रुप डी में बहुत बार पूछा है, ग्रुप डी में है ना, ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइए हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सिर्फ देखकर लगाया जा सकता है कि कैसे किया गया है। तो आइए देख लेते हैं, ऑप्शन आपका दिया गया है ना, इसी ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। तो आइए देख लेते हैं क्या किया है। तो आप देख रहे हैं कि आप लिखा हुआ है 4, 7, 11 भी लिखा है 64 है ना, 11 के बाद सीधे 64, 64 के बाद क्या आ गया 343 और 343 के बाद दिया हुआ है कि इसमें क्या होगा है ना। तो आप क्या करेंगे, 11 के बाद इतनी बड़ी संख्या आ गया तो या तो फिर कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से ऐसा कोई नंबर आया है ना। तो आप क्या करिएगा, देखिएगा क्या अपोजिट में कुछ ऐसा कर रहा है क्या, या किसी का वर्ग किसी का स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर रहा हो चाहे क्यूब रूट कर रहा है या क्यूब कर रहा हो है ना। तो आप देख लेते हैं स्क्वायर अगर हम 4 का करते हैं तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर करने पे आता है 16 है ना, ये दिया गया है इसके अपोजिट में 64। तो क्यूब करके देख लेते हैं, अगर क्यूब किया जाए तो 64 आएगा। तो हाँ आपको पता है कि 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। देखिए 4 × 4 × 4 16 × 16 = 64 आ गया 64। यानी आपको ये पता चला कि स्क्वायर करने पर आ रहा है, क्यूब करने पर आ रहा है 64, यानी 4 का क्यूब है ये 64। अब यहाँ पर देखिए 7 का, अगर 7 का क्यूब करने पर अगर आ जाता है ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, नियम जो है जो फॉलो कर रहा है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं 7 का क्यूब। तो 7 का मतलब, क्यूब का मतलब 7 × 7 × 7 तो होता है 77 × 49 × 7 7 का गुणा करिएगा 49 में तो आएगा 7 × 9 = 63 है ना, 7 × 4 = 28 और 6 हो जाएगा आपका 34 आ गया। देखिए आ गया कितना, 343, यानी इसका क्यूब करने पर ये आया और इसका क्यूब करने पर ये आया, तो इसका क्यूब करने पर ये आएगा। तो चलिए इसका क्यूब कर लेते हैं। आपको पता है कि 11 का क्यूब करने पे आता है 1331, क्या आता है देख लीजिए, गुणा करके देख लेते हैं, 11 × 11 × 11 11 में 11 का जब गुणा करिएगा तो आएगा 121 × 11 11 का जब गुणा करिएगा तो 11 × 11 बचेगा 1, 11 × 2 = 22 और 1 = 23 11 × 11 और 2 = 13 देखिए आ गया है ना। तो ये हो जाएगा आपका 11 का क्यूब, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 1331। तो ऐसे करेंगे, जल्दी से करेंगे, ध्यान से करिएगा, ये सब क्वेश्चन आसान होता है, बस कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी। इस तरह से दिमाग को शांत करके जल्दी से करिएगा, क्या ऐसे कोई किया है नियम, अगर वो नियम फॉलो कर जाता है दूसरे को भी कराइएगा, अगर वो भी कर जाता है तो तीसरा ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। और ऑप्शन में देख लीजिएगा, ऑप्शन में दिया गया है किस ऑप्शन में है आपका 1331 आपका डी ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। और अगर वीडियो में नए होंगे इस चैनल पे, नए होंगे इस चैनल में, अगर नए इसको अगर इस चैनल में आप पहली बार अगर जुड़े होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अगले जितने भी वीडियो हैं, जितने भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन के वीडियो आएंगे, आप उससे लाभान्वित हो सके है ना। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और जिससे आपको फायदा हो सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।